वो देखो देखो देखो, वो भागा, कुछ ब्लैक ब्लैक सा था। और इसको फिर मिक्स सुन चुकी है पीर की, वाह। भाई ये है आलू भाई, सब्जी बनाने के लिए आलू काट के उबालने के लिए डाल दिए हैं इसमें। शॉपिंग का काम शुरू। प्याज कट चुका है अपना, अब है बारी टमाटर की। टमाटर टमाटर यानी टमाटर, बहुत लाल टमाटर है यार ये। नो भाई, टमाटर का भी हो गया काम। नहीं आएंगे उस पर। काफी होगा। सोनू भाई आटा लगा रहे हैं यहाँ पे, आटा लगा रहे हैं ये फटाफट, उसके बाद और काम शुरू करते हैं। लेकिन अभी कुछ जानवर आ गए थे यहाँ पे, क्योंकि जैसा मैंने दिखाता ना यहाँ पे पीछे की तरफ पानी का टैंक है करके उसका, जानवरों का, तो वो पानी पीने अभी आ रहे होंगे क्या पता, और हो सकता है अग्रेसिव भी हो जाए, थोड़ा अटैक करने के मूड में भी हो, क्योंकि ये जानवर जो था ना बहुत तेज था, बहुत शातिर था। पहले वो इधर आया नीचे और यहाँ से कब यहाँ ऊपर चढ़ गया पता ही नहीं चला, और यहाँ पे आँख दिखी, लेकिन वो जैसे देखने लगे तब तक भाग गया। वो हल्की सी आँख दिखी बस, लेकिन अभी नीचे गया है, कुछ भी हो सकता है। मतलब यार यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट है ना एक तो, और खाना बनाने की तैयारी चल ही रही है अभी। सोनू भाई ने लगा दिया आटा। भाई आ जाओ यार, दिखा 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 दिखा, आ जाओ यार, लाओ। यहाँ से आई लग रहा है अभी। कहाँ से? वो रहेगा आसपास में ही रहेगा। अच्छा ठीक है ठीक है, लगा के। अरे बाप रे, तेल ही तेल कर दिया यार तुमने तो। भाई तो अभी अब तैयारी हो रही है खीर बनाने की। आज स्वीट डिश के नाम पर हमारे पास खीर होने वाली है। भाई वो देना कुछ कपड़ा। कागज चमक रहा है, ऐसा लग रहा है आंखें चमक रही है वो ना। ये लो, पहले था मैंने वहां से अंदर से। और इसके पीछे की तरफ हम ड्राई फ्रूट अभी रोस्ट करने वाले हैं, रोस्टिंग चलने वाली है, रोस्टिंग तगड़ी वाली रोस्टिंग होगी। मूनी हिल्स ड्राई फ्रूट्स
रोस्टिंग। और ये चलो लगे हैं। ओए होए ड्राई फ्रूट्स की बरसात। तो चलो भाई आलू की कटिंग शुरू सब्जी के लिए। छोटे छोटे पीस बनाते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाते हैं। खीर बन गई है, बारी है अब सब्जी की, जो बनने वाली है आलू की सब्जी। तैयारी बड़ी जोर शोरों से चल रही है। ये है आलू, हाथ जल रहा है भाई। अब जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, स्पेशल मसाला किलो में जाते हुए तब पता चलता है। चलो जल्दी से कर लेते हैं अब सब्जी को फ्राई। चलो भाई ये कसूरी मेथी और हरा धनिया फेंक के मारा और इसको फिर मिक्स कर दिया अच्छे से। ये हो गया पहले तो बस, ये हो गए आलू तैयार। इसको ढक के निकाल दो, ढक दो निकाल दो, अंदर जो चीज़ें डाली हैं उसकी अंदर जो भाप बनेगी ना तभी मज़ा आएगा, उसका फ्लेवर गिरेगा उससे। तो चलो भाई एक नई डिश बनने वाली है। आलू हमने आग में रख के जला दिए हैं ये, और इनको मैश कर लेना है हल्का हल्का सा, मतलब इतना एकदम महीन नहीं करना है। जो कच्चा उसको है, कच्चा कुछ भी नहीं है, सब पका हुआ है। छिलके के साथ आलू को ना कोयले में पकाने के बाद छिलके के साथ ही बनाना पड़ता है इसको, तभी जाके वो फ्लेवर आता है। इसमें प्याज भी पड़ गया, टमाटर भी पड़ गया, सब कुछ पड़ गया है भाई। इसको मिक्स कर लेना है ऐसे, ठीक है। तो
तो भाई जो अपनी दूसरी सब्जी है उसको भी फ्राई कर लेते हैं हल्का सा। चलो भाई ये सब्जी है ना इसको बस ऐसे ही फ्राई करना है, ऐसे ही सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद। और मसाले कुछ नहीं डालने, वैसे डाल सकते हो अपने स्वाद के अनुसार मसाले डाल सकते हो वैसे, लेकिन भाई मैंने तो नहीं डाले क्योंकि बिना मसाले का ही बनाना है मैंने इसको। चलो पूड़ियाँ बनाई जाए अब। पूड़ियाँ बनाने के लिए कोयले तो चाहिए भैया, कोयले तो ना बहुत ज़्यादा ही चाहिए, बहुत चाहिए, लेकिन कोयले हो नहीं रहे हैं। डायरेक्ट आग में लगेंगे तो बढ़िया जाएगी, बोलो बर्तन खराब हो जाएगा फिर तो यार दाजी। पलटा 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 पलटा, हाँ गुड, हो रहा है, हो रहा है, काम हो रहा है, तो बढ़ जाएगी पूड़ियाँ। डाल दूसरी डाल, ये क्या बन रहा है पूड़ी की जगह? भाई तुम ही हो बनाने वाले, पलटियो एक बार, पलट पलट उसको पलट, उसके बाद दबाना। पूरी बहुत हो गई है अभी, वो बनने में बहुत सूख जाएंगे तब तक। छोड़ तू दूसरा डाल इसमें। अंतिम पूड़ी बन चुकी हैं पूड़ियाँ, जबरदस्त, वाह। खाना बन चुका हमारा और कुछ पूड़ियाँ यहाँ हैं, कुछ पूड़ियाँ उधर हैं, और अब खाते हैं फटाफट, ठीक है? डाल दिया अपने लिए, डाल दिया। पता नहीं सब्जी कैसी कैसी हुई है सोनू भाई, सब्जी बढ़िया हुई है। पूड़ियाँ थोड़ी सी कड़क हो गई हैं, कोई नहीं, लेकिन टाइम काफी ज्यादा हो गया है। बारह बजने में 8 मिनट बचे हुए हैं। इतने में नहीं हुई है पूरी बार, दिख रही है ना जितने उतने नहीं हुई। कुछ सही हो रहा है, मजा आ गया। और बाकी खाना तो बहुत जबरदस्त हो रहा है, और हो सकता है भूख इतनी लगी है उसकी वजह से भी हो रहा हो। कैसा हुआ भाई? बहुत मस्त, बढ़िया भाई, मजा। भाई इतनी मेहनत भी तो की है फिर, लग टेक के आंखें गए हैं। कितने घंटे हो गए होंगे हमें? 2 बजे से निकल गए थे, पर 2 बजे से पहले 1:30 बजे, 10 घंटे के आसपास। और 2 बजे से हम चली रहे, अब बारी है खीर की, वाह।
क्या जबरदस्त खीर बनी है। वाह यार, देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। हाँ खीर, वाह बहुत ही लाजवाब बनी, मजा आ गया। खीर बहुत जबरदस्त बनी है। हाँ। थोड़ी देर आग सेक लेते हैं और उसके बाद फिर जाते हैं टेंट के अंदर। सोनू भाई तो हमारे सो गए हैं भाई, काफी थक गए थे यार सोनू भाई आज। तो भाई चलो, सोनू भाई बगल वाले टेंट में सो गए हैं, हमारे छोटे वाले टेंट में, और ये भी छोटा ये, लेकिन हम दोनों इसमें सो रहे हैं, उसमें सामान भी है ना। तो सोनू भाई ने कहा कि अकेला सोता हूँ मैं मस्त एकदम सामान के साथ, सेफ्टी भी कर लूँगा सामान की, ठीक है। तो अब आपसे मुलाकात होगी सुबह एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ, ठीक है। तब तक गुड नाइट। सुप्रभात आप सभी व्यूअर्स को, और स्वागत है एक बार फिर से एक नए दिन के साथ और एक नई सुबह के साथ। भाई जो नींद आई ना रात में, बड़ी ज़बरदस्त नींद आई, अब पता नहीं कोई जानवर आया भी होगा तो यहाँ। ठंडा हो रहा है लेकिन यार सुबह सुबह। बर्ड्स की साउंड तो बहुत प्यारी प्यारी आ रही है सुबह सुबह, और अभी भाई लोग उठे नहीं है टेंट के अंदर ही, मैं उठा हूँ अभी, बाहर आया हूँ लेकिन ठंडा हो रहा है, मुझे लग रहा है फिर से घुस जाना चाहिए अंदर। ओ दीपक भाई, हेलो, गुड मॉर्निंग। ये भाई सोनू उठ गया। आई आई नींद आई, बढ़िया नींद आई, बढ़िया। ये है ब्लैक बुलबुल सामने बैठी है जो, ये सुप्रभात मेरे भाई, नींद कैसी आई, अच्छी आई कि नहीं? बढ़िया, चल बढ़िया। ये आवाज जो है ना मरून ओरियल की। तो भाई अभी मॉर्निंग टी बनाई जा रही है, दोनों रोने लग गए थे ये भाई लोग, पता नहीं क्या। लो भाई कुल्हड़ वाले भैया, चाय पकड़ो। अरे सोनू भाई लाओ, तुम रखो यार, तुमको तो दे नहीं रहा हूँ यार मैं, कटरा है क्यों छोड़ दिया। इतना खत्म करोगे तब दोबारा मिलेगी। बिस्किट भी है, बिस्किट निकाल लो उसमें से। वाह, और हाँ इसमें चाय, जिसको लेनी होगी दोबारा ले लेना। कैसी हुई है पता नहीं चाय, मस्त हुई है क्या? चाय तो हम मस्ती बनाने वाले हुए यार, चाय वाले दीपू भैया। तो भाई इसको बहुत अच्छी, दोनों को अच्छी जगह। वाह वाह,
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंत की तरफ हम लोग आ चुके हैं, पैकिंग कर ली है और अब इस जगह को सी यू बोलते हैं। और अभी कुछ औरतें आई थी यहाँ पे, वो बोल रही थी कि यहाँ पे शेर है, टाइगर है, मतलब आया हुआ है आजकल, क्योंकि भोटिया जो होते हैं ना, बकरी जो चरवाए होते हैं, भेड़ चरवाए, तो उनके साथ नीचे से प्लेन से यहाँ पहाड़ों की तरफ प्लान कर आता है वो, उनके पीछे पीछे ऐसा बोल रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन है वो, रियलिटी है उसमें, आते हैं, आता है। वैसे वैसे पहले भी जब ऐसा हुआ था तो उस टाइम पे भी इस तरह की कुछ बातें बोल रहे थे लोग, और मे भी ऐसा हो सकता है ना। तो भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस, पहली नाइट कैंपिंग? मजा आ गया, मतलब मजा आ गया। तो आज की वीडियो को बस यहीं पर करता हूं, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी मजे लीजिए, और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, ठीक है, नई लोकेशन पे और नई जगह के साथ। पहले कर दे फिर।